दिनांक 17 जनवरी 2021 को अखिल भारतवर्षीय तनुवंशी क्षत्रिय महासभा का आम सभा रखी गई है। इस आम सभा में राष्ट्रीय स्तर के जो हमारे पदाधिकारी रहे हैं, पूर्व पदाधिकारी, अध्यक्ष हों, महामंत्री हों, सचिव हों, उच्च स्तरीय समिति के सदस्य हों और विभिन्न राज्यों के झारखंड, बंगाल, दिल्ली, बिहार के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। आज की बैठक में मुख्य रूप से जो मेरा एजेंडा है, जो चंद्रवंशी महासभा 1906 में बना और 1912 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ, उसका जो संविधान है, संविधान के अनुसार आज हमारा संवैधानिक संकट में पड़ा हुआ था। संविधान के अनुसार कोई महासभा इस देश में कार्यरत नहीं है। इसी के मद्देनजर हमारे कार्यालय सचिव श्री पूजन सिंह जी ने और इनके अध्यक्षता में ही ये आज कार्यक्रम आयोजित है। इन्होंने रखा कि हम संवैधानिक स्वरूप कैसे दें और उसी संवैधानिक स्वरूप देने के लिए आज महासभा का एक आम सभा रखा गया है, जिसमें विभिन्न राज्यों से प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। और इस आम सभा में यह तय किया जाएगा कि अगला रणनीति क्या होगी और अगला हमारा संयोजक मंडल हो या कार्यवाहक अध्यक्ष हो, कार्यवाहक महामंत्री हो, निर्वाचन पदाधिकारी हो, इसका चुनाव भी संभवतः आज के आम सभा के एजेंडा में है। और आम सभा जब समापन की ओर जाएगी तो आप सारे लोगों की जानकारी दे दी जाएगी। निश्चित तौर पर जो महासभा हमारा आज़ादी के पहले जो महासभा बनी थी, वह महासभा को मजबूतीकरण करने के लिए, एकीकरण करने के लिए यह आज के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो बिना निर्णय के ये चुनाव कराने क्यों जा रहे हैं? कोर्ट ने एक आदेश पारित किया, कोर्ट ने आदेश पारित किया कि एनी डिफेंडेंट, कोई भी पक्ष अगर चुनाव करता है तो वह ना तो परिणाम की घोषणा करेगा और ना ही वो इफेक्ट माना जाएगा जब तक न्यायालय के द्वारा उसकी स्वीकृति नहीं दी जाती है। यह आदेश 2017 3 मार्च का है। लेकिन यहां माना जो दोनों पक्ष के समर्थक हैं उसको उन्होंने नहीं माना और किसी ने नहीं पूछा कि आज 2017 से 20 हो गया, शांत हो गया। पुनः आज एक समाचार आया कि प्रेम कुमार जी के नेतृत्व वाली कमेटी ने घोषणा किया कि हम चुनाव करेंगे, हम सदस्यता अभियान अपना आज दिनांक 17 जनवरी 2021 को अखिल भारतवर्षीय तनुवंशी क्षत्रिय महासभा का आम सभा रखी गई है। इस आम सभा में राष्ट्रीय स्तर के जो हमारे पदाधिकारी रहे हैं, पूर्व पदाधिकारी, अध्यक्ष हों, महामंत्री हों, सचिव हों, उच्च स्तरीय समिति के सदस्य हों और विभिन्न राज्यों के झारखंड, बंगाल, दिल्ली, बिहार के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। आज की बैठक में मुख्य रूप से जो मेरा एजेंडा है, जो चंद्रवंशी महासभा 1906 में बना और 1912 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ, उसका जो संविधान है, संविधान के अनुसार आज हमारा संवैधानिक संकट में पड़ा हुआ था। संविधान के अनुसार कोई महासभा इस देश में कार्यरत नहीं है। इसी के मद्देनजर हमारे कार्यालय सचिव श्री पूजन सिंह जी ने और इनके अध्यक्षता में ही यह आज कार्यक्रम आयोजित है। इन्होंने रखा कि हम संवैधानिक स्वरूप कैसे दें और उसी संवैधानिक स्वरूप देने के लिए आज महासभा का एक आम सभा रखा गया है, जिसमें विभिन्न राज्यों से प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। और इस आम सभा में यह तय किया जाएगा कि अगला रणनीति क्या होगी और अगला हमारा संयोजक मंडल हो या कार्यवाहक अध्यक्ष हो, कार्यवाहक महामंत्री हो, निर्वाचन पदाधिकारी हो, इसका चुनाव भी संभवतः आज के आम सभा के एजेंडा में है। और आम सभा जब समापन की ओर जाएगी तो आप सारे लोगों की जानकारी दे दी जाएगी। निश्चित तौर पर जो महासभा हमारा आज़ादी के पहले जो महासभा बनी थी, वह महासभा को मजबूतीकरण करने के लिए, एकीकरण करने के लिए यह आज के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।